वही मंच की व्यवस्था। आइए फ्रेंड्स, युवा से जानते हैं कि पावर स्टार और सुपर स्टार एक साथ आए हैं एक मंच पर, वो कैसा लगा? कैसा लग रहा है आपको पावर स्टार और सुपर स्टार एक साथ एक मंच पर दिखने को मिले? नहीं, पूरा एकदम विक्रमगंज जो काराकाट क्षेत्र सब एकदम पवन में हो गया है। और चले पवन तो रुके कहो, पढ़ाई लिखाई छोड़ के भी आए हुए हैं यहाँ पर देने के लिए। आप ये कहना चाहते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के आए हुए हैं यहाँ पर? हाँ, एक पवन सिंह के लिए काराकाट इतना फेमस हो गया, नहीं तो काराकाट में कोई आता नहीं था। क्या लग रहा है पवन सिंह यहाँ से जीत जाएंगे एकदम पूरा भारी बहुमत से जीत जाएंगे? और जो आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोग तो स्टूडेंट हैं। जी जी, यहाँ का समाज क्या कह रहा है कि पवन सिंह को जिताएगा? एकदम पूरा वृद्धा समाज, युवा समाज, सब समाज, सब पवन सिंह को जीता। कुछ मुस्लिम का लोग कह रहे हैं कि हम नहीं नहीं वोट नहीं देंगे। पवन सिंह जाति वाति करने वाला आदमी नहीं है, हर मुस्लिम से ऊपर उठ के आदमी है। आप कहना चाहते हैं कि पवन सिंह विवाद में एकदम नहीं है? नहीं नहीं, सब केवल आदमी विकास का काम करता है और बस उसको जनता समझता है। जब एमपी नहीं भी बनने वाले थे, चुनाव नहीं भी लड़ने वाले थे, तब भी बोल रहे थे कि हमको बस जनता से प्यार है। आप कहना चाहते हैं कि एक मौका पवन सिंह को भी दे के देखा जाए? देना ये दिया गया, अब कुछ नहीं हो गया। आप पहले ही मान लिया कि दिया गया? तो युवा यहाँ पर कहना चाहता है कि पवन सिंह यहाँ पर जीत चुके हैं और बहुत ही अच्छा लगा भाई से बात करके। और चलिए यहाँ के और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या लगता है उनका भी ओपिनियन। एक भाई है पवन सिंह का समर्थक कहा जा सकता है, और देख सकते हैं हाथ में ये क्या है आप देखिए, क्या लगता है पवन सिंह यहाँ से जीतेंगे? बहुत अच्छा, पवन जी की हवा पहुंच चली है, जो कुशवाहा समाज है वो वोट देगा पवन सिंह को, सभी समाज जो है पवन सिंह को समर्थक देगा, जो मिल रहा है आशीर्वाद मिल रहा है माताओं का, बहनों का, सब लोग का पूरा यकीन है कि पवन सिंह यहां से जीतेंगे। और आज ट्रेंडिंग स्टार और सुपर स्टार एक साथ मिलने वाला है, कैसा लग रहा है? पवन सिंह